नमस्कार दोस्तों, मैं कैप्टन एके सिंह। आज मैं आपको जीपी रेटिंग कोर्स और उसके बेनिफिट के बारे में बताने जा रहा हूँ। कई बार हमारे पास न्यू कमर्स आते हैं ये पूछते हुए कि सर, मर्चेंट नेवी में एंटर करने का सबसे इजी तरीका क्या है, कौन सा सबसे अच्छा कोर्स है जिससे मैं कम समय में मर्चेंट नेवी में एंटर कर जाऊँ और अपना करियर मर्चेंट नेवी में बनाऊँ। अगर आप मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो शिप ज्वाइन करने से पहले आप कोई भी पीसी कोर्स जरूर करें। पीसी कोर्स करने से आप कोई भी अच्छी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, और जितने सारे पीसी कोर्स होते हैं उनमें से सबसे अच्छा है जीपी रेटिंग कोर्स। जीपी रेटिंग कोर्स क्यों अच्छा है इसके बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। जीपी रेटिंग कोर्स ज्वाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने जो मिनिमम क्राइटेरिया सेट करके रखा है वो है 10th पास, टोटल मार्क्स 40% से ज़्यादा। उसमें आपका इंग्लिश, मैथ और साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और इंग्लिश में 40% से ज़्यादा होना चाहिए। जीपी रेटिंग कोर्स ज्वाइन करने का एज क्राइटेरिया है 17 साल 6 महीने मिनिमम और मैक्सिमम 25 साल। अगर आप एसटी और एससी हैं तो आपको 3 साल का बेनिफिट मिलेगा, यानी 25 के बदले आप 28 साल तक ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 2 साल का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आप अब 27 साल तक मैक्स में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है तो भी आपको 2 साल का बेनिफिट मिलेगा। मिनिमम एज रहेगा 17 साल 6 महीना और मैक्सिमम एज रहेगा 27 साल अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया। आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए और कोई मेजर सर्जरी नहीं होना चाहिए। आई साइट आपका 6x6 होना चाहिए और कोई कलर ब्लाइंडनेस ना हो। ये मिनिमम क्राइटेरिया है जीपी रेटिंग कोर्स ज्वाइन करने के लिए। जीपी रेटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि विद इन 6 मंथ्स आप एलिजिबल हो जाते हैं कोई भी शिपिंग कंपनी ज्वाइन करने के लिए। और इसका जीपी रेटिंग का फीस और सारे पीसी कोर्सेज सबसे कम है। अगर कोई कैंडिडेट जो फाइनेंशियली वीक है वो भी ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जीपी रेटिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको जीपी रेटिंग का सर्टिफिकेट मिलता है, 5 बेसिक कोर्स का सर्टिफिकेट मिलता है, इंडियन सिटी मिलता है। ये सारे सर्टिफिकेट के साथ आप कोई भी शिपिंग कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है करियर चूज करने का। अगर आप एजुकेशन वाइज अच्छे नहीं हैं, अगर आप पढ़ने लिखने में उतने अच्छे नहीं हैं, तो आप जहाज पर काम करते रहेंगे और आपकी एक्सपीरियंस के अनुसार आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। जीपी रेटिंग ज्वाइन करने के बाद मिनिमम 9 मंथ्स एक्सपीरियंस होने के बाद आप एक सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसको हम वॉच कीपिंग कहते हैं। वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट के लिए मिनिमम 9 मंथ्स का सेलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट लेने के बाद आप दोबारा 18 महीने का सेलिंग करेंगे, उसके बाद आपको COP के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा सर्टिफिकेट मिलता है COP। इस तरह से आपका करियर ग्राफ ऊपर बढ़ता चला जाता है और 3 से 5 साल के बीच में आप एबल सीमैन या ऑलर बन जाते हैं, अच्छी खासी सैलरी अर्न होना चालू हो जाता है। और इसी रैंक पर और आप 5 से 10 साल काम करते हैं तो आपको हेड ऑफ डिप रेटिंग बना दिया जाता है, जिसको हम बोसन कहते हैं, जो कि चीफ ऑफिसर का राइट हैंड भी होते हैं। और इस तरह आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी रहती है और आप बगैर किसी एग्ज़ाम के आराम से 10 साल के अंदर बोसन बन सकते हैं। यह है एक सेक्शन जहाँ पर आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत जो आप ट्रेनिंग में सीखेंगे उसी से आपको वॉच कीपिंग या COP सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो कैंडिडेट जो एजुकेशन वाइज बहुत अच्छे हैं, वो अपना करियर और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन है ऑफिसर बनने का, कैप्टन बनने का। इसके लिए जब वो जीपी रेटिंग ज्वाइन कर रहे होते हैं उस समय ये ध्यान रहे कि उनका मिनिमम मार्क्स 50% होना चाहिए, इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए। इंग्लिश में 50% मार्क्स और एग्रीगेट 50% मार्क्स होने के बाद अगर वो जीपी रेटिंग कोर्स कंप्लीट करते हैं, शिप ज्वाइन करते हैं, तो 3 साल के बाद, 3 साल ऑन बोर्ड ट्रेनिंग, 36 महीने का ऑन बोर्ड ट्रेनिंग के बाद वो सेकेंड मेट NCV दे सकते हैं, सेकेंड ऑफिसर नियर कोस्टल वॉयज का एग्जाम दे सकते हैं। और ये एग्जाम डीजी शिपिंग कंडक्ट करती है। ये एग्जाम देने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलता है सेकेंड ऑफिसर नियर कोस्टल वॉयज का, और इसके बाद वो इंडियन कोस्ट पर सेकेंड ऑफिसर सेल कर सकते हैं। उसके बाद उनका करियर ग्राफ ऊपर बढ़ता चला जाएगा। 12 महीने की सेलिंग के बाद वो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं और चीफ ऑफिसर बन सकते हैं नियर कोस्टल वॉयज में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NCV बोलते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो लगातार सेलिंग करते रहें और 24 महीने सेलिंग एक्सपीरियंस के बाद लास्ट एग्जाम देंगे, उसके बाद वो कैप्टन भी बन सकते हैं कोस्टल शिप में। तो इस तरह जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे हैं वो जीपी रेटिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद कैप्टन भी बन सकते हैं। इस तरह से जीपी रेटिंग के 2 करियर ग्राफ हैं, जो स्टूडेंट जैसा चाहे वो अपना करियर जीपी रेटिंग के थ्रू मर्चेंट नेवी में बना सकते हैं। याद रखें कि जीपी रेटिंग कोर्स आप उन्हीं इंस्टीट्यूट से करें जो इंस्टीट्यूट DG अप्रूव्ड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।